तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं, कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ मेटल्स हो सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है, देखा होगा और उनका यार इनमें कौन सी है लगभग लगभग साइट है, यही तो होता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु, एक बार फिर से डू यू नो 2.0 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं जो कि चीजों के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि कॉफी का उत्पादन, चाय का उत्पादन और भी कई सारे मिनरल्स की भी हम लोग बात करेंगे कि जिसमें भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। यहां से हमारे क्वेश्चंस भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं, कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ मेटल्स हो सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपसे बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है, एप्पल, सेब की अगर बात करें तो एप्पल का उत्पादन भारत में दो जगहों पर सबसे ज्यादा किया जाता है। एक तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है और दूसरा हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। लेकिन कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे किया जाता है, तो इन दोनों में आप किसको कंसीडर करोगे? जम्मू कश्मीर को कंसीडर करोगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, तो इसके लिए कर्नाटक, कर्नाटक भारत का वो राज्य है जहां पर कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। और कर्नाटक में भी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना है आपको, चिकमंगलौर। क्या नाम है? चिकमंगलौर, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा, आसाम में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मैंगो, आम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है आम का उत्पादन सबसे ज्यादा। और उत्तर प्रदेश में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मलिहाबाद, मलिहाबाद जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है आम का। इसी तरीके से ग्रेप्स की अगर बात करें, अंगूर का उत्पादन, संतरे का उत्पादन मतलब ऑरेंज का उत्पादन, तो ग्रेप्स और संतरे इन दोनों का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किया जाता है। कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक और चीज का उत्पादन भी सबसे ज्यादा किया जाता है, अनियन, प्याज का उत्पादन, यह भी महाराष्ट्र में ही किया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए गार्लिक, लहसुन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। आज के डेटा के आधार पर गुजरात में सबसे ज्यादा गार्लिक का उत्पादन किया जाता है। कुछ और चीजों को आगे देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे मिनरल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि सिल्वर की अगर बात करी जाए, चांदी की, तो चांदी का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा किया जाता है। किसमें? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो पहले इसके लिए खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट जाना जाता था, लेकिन अब खेतड़ी सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं करता है, अब सबसे ज्यादा उत्पादन उदयपुर करता है, उदयपुर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, ठीक है, कूपर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, तो यह भी राजस्थान में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बदल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट है खेतड़ी, इसके लिए खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अबरक का उत्पादन, अबरक का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, इसके लिए उड़ीसा राज्य जाना जाता है। अच्छा, अगर मैं कहूं पोटैटो, आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगर आपसे कहा जाए सैफ्रॉन, केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, तो इसके लिए भी जम्मू कश्मीर नंबर वन पे है केसर के उत्पादन में। अगर आपसे पूछा जाए ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या अगर नट्स भी बोल दिया जाए, नट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, तो इसके लिए भी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर है। कभी कभी आपसे पूछ देता है गुआवा, गुआवा अमरूद के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन के रूप में कौन जाना जाता है, तो पहले झारखंड था, अब बिहार है। इस टाइम के डेटा के आधार पर बिहार हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इसके लिए। मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, क्या आपसे बोला जाए मसाले, मसाले स्पाइसेस, स्पाइसेस का उत्पादन, तो ये कहां पर होता है, ये होता है केरल में,
और केरल में कौन सी पहाड़ियां इसके लिए जानी जाती है? तो इसको बोलते हैं कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स कहां पड़ती है ये तो आपको पता है ना, जैसे ये है भारत, ये केरल है, तो यहां पर ये कार्डमम की पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियां इनको बोला जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इलायची, इलायची के लिए भी केरल ही जाना जाता है। अच्छा, कॉफी से एक चीज याद आई, भारत में कॉफी की कौन सी प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो कॉफी की दो प्रजातियां भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन कौन सी? एक तो अरेबिका कॉफी और दूसरी जिसका नाम है रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा, ये दो तरीके की कॉफियां सबसे ज्यादा भारत में उगाई जाती हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा कौन सी? अरेबिका। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं भारत में सबसे ज्यादा तेल कहां से निकलता है, मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना होगा बॉम्बे हाई से। कहां से क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा कहां से निकलता है? बॉम्बे हाई से। लेकिन हमारी जितनी खपत है ना, उस आधार पर ये कुछ भी नहीं है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। तभी आप देखते हो इतना सारा क्रूड ऑयल हम लोग हर साल रशिया से, इराक से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, इन देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए मिल्क, दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है, तो पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन करंट डेटा के हिसाब से हरियाणा, हरियाणा में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा? करनाल डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है भारत के कौन से राज्य को बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है? तो बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है, बास्केट ऑफ ब्रेड ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पंजाब को। उसका कारण यह है कि पंजाब की जो जमीन है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, यहां पर 5 नदियों का पानी आकर मिलता है, इसलिए यहां की जो मिट्टी है वहां पर रिच मिनरल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में अगर आप 1 हेक्टेयर जमीन में 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हो, तो पंजाब में उसी 1 हेक्टेयर जमीन में 16 से 17 क्विंटल गेहूं का उत्पादन आप कर लोगे, मतलब 1.5 गुने से भी ज्यादा का फर्क आ जाता है। इस वजह से इसको बास्केट ऑफ ब्रेड के नाम से जाना जाता है, मतलब रोटी की टोकरी बोला जाता है। इसी तरीके से एक राज्य है जिसको बोला जाता है बास्केट ऑफ एग्स, बास्केट ऑफ एग्स, अंडों का उत्पादन इस राज्य में सबसे ज्यादा किया जाता है, ये कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अंडों की टोकरी इसको बोला जाता है। आंध्र प्रदेश हल्दी के लिए भी जाना जाता है, किसके लिए? हल्दी, हल्दी का उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। चिली का उत्पादन भी सबसे ज्यादा, हल्दी अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं टर्मरिक, टर्मरिक की बात हो रही है यहां पर। चिली की अगर बात करें तो इसके लिए भी आंध्र प्रदेश ही जाना जाता है, सबसे ज्यादा मिर्च का उत्पादन भी यहां पर ही होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। लीची, लीची का उत्पादन, इसके लिए भी बिहार इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो कि इस टाइम के डेटा के आधार पर है। ये डेटा बदलता रहता है, बट आपको ध्यान रखना है इस टाइम के एवरेज में यही सही है। डू यू नो के एपिसोड का यही मतलब है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी और अपडेटेड जानकारी। आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगले एपिसोड में फिर से कोई नई जानकारी लेकर कल मिलेंगे सेम टाइम में। एग्जाम इंजन से आप 16 तारीख से जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन का, उसे आप परचेज कर सकते हो। 1500 रुपए उसकी कॉस्ट है, फुल फाउंडेशन GS GK का बैच है। उसके लिए आप एनरोल करके 2023 के सभी एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हो बहुत आसानी से। GS, मेरा GS पढ़ाने का अंदाज आपको पता है, उस अंदाज के ही तौर पर वहां पर मैं बहुत अलग तरीके से इलैबोरेट करता हूं। अगर कोई आपका भाई बंधु उन क्लासेस को देख रहा हो जो ऑलरेडी बैच चल रहा है, तो आप उससे फीडबैक भी ले सकते हैं। काफ़ी आनंदमयी क्लासेस हो रही हैं, आपको भी मजा आएगा और आनंद में पता ही नहीं लगेगा कि कब GS GK का पूरा बैच खत्म हो गया। तो अभी की बात यहीं तक, कल फिर से मिलेंगे इसी एपिसोड में नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल रहे। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है, तो देखो कौन सी है साइट, यही तो है।